ये बेगमगंज थाना क्षेत्र की है, जहां पर दबंगों ने 6 माह की गर्भवती महिला की जमकर पिटाई कर दी। 3 दबंगों ने मिलकर महिला को पीटा है। दबंगों की पिटाई से महिला की हालत काफी खराब हुई। परिजन महिला को इलाज के लिए अस्पताल भी लेकर गए। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अभी तक फिलहाल कोई आगे की कार्रवाई नहीं की है। तो 3 दबंगों ने इस गर्भवती महिला को पीटा है। उसके बाद जो परिजन थे, जो पीड़िता के घर वाले थे, उन्होंने पुलिस में अपना पक्ष भी रखा, अपनी बात सामने रखी, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जो 3 दबंग जिन्होंने इस महिला की पिटाई की, जिसकी वजह से इस महिला की हालत बिगड़ी, उसको लेकर पुलिस अभी तक चुप है। गर्भवती महिला को फिलहाल हॉस्पिटल ले जाया गया, क्योंकि उसकी हालत खराब हो चुकी थी। अब उसका इलाज वहां पर किया गया है। अभी तक पुलिस का लेकिन इसमें कोई भी रुख स्पष्ट नहीं हो पाया। तो दबंगों का कहर गर्भवती महिला के ऊपर टूटा। और देखिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये वही महिला जिसके साथ इन दबंगों ने हैवानियत की है, इसको पीटा है, बुरी तरह से पिटाई की गई, जिसकी वजह से इस महिला की हालत काफी बिगड़ी। उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। गोंडा की खबर है ये। 3 दबंगों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन फिलहाल अभी तक इन 3 दबंगों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। राजेश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राजेश, 3 दबंगों के खिलाफ जो परिवार वाले हैं, उन्होंने तो अपनी बात सामने रख दी है पुलिस के, लेकिन पुलिस अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रही इन 3 दबंगों के ऊपर? जी शिवांगी, आपको बता दें कि पूरा मामला उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र के सिसई गाँव का है, सिसई तिवारीपुरवा गाँव का है, जहाँ पे एक जो महिला है, 6 माह की गर्भवती महिला है, और इसकी 3 दबंगों ने मिलकर के जम के पिटाई की है। आपकी विवाद उन लोगों का है जिसको लेकर के पिटाई की गई है। ये महिला के घरवालों का कहना है कि ये लोग अपनी शिकायत लेकर के थाने पे गए थे, जहाँ इनकी सुनवाई नहीं हुई। जब इस बारे में एसओ से बात की गई तो एसओ का ये कहना था कि हमारे यहाँ ऐसा कोई मामला लेकर के कोई नहीं आई है, अगर ऐसा है तो उसको दिखाया जाएगा। फिलहाल तहरीर जो है वो कहाँ दी गई है इसका अभी कोई पता नहीं चला है। बिल्कुल राजेश, देखिए बहुत बड़ी बात है कि एसओ को इस पूरी खबर के बारे में जानकारी भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए राजेश।